चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मसौढ़ी में जनसभा को किया संबोधित। सीएम के साथ पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। स्थानीय जेडीयू प्रत्याशी नूतन पासवान के पक्ष में वोट करने की कही बात। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में अरवल जिला प्रशासन। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 के पास सभी वाहनों की हो रही सघन चेकिंग। दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां को ध्यान में रखते हुए बढ़ती जा रही सख्ती। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे हर एक टाइप का सुविधा प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले तो यहां अच्छे मॉनिटरिंग के लिए एसपी सर के द्वारा और थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा हर एक जगह कैमरा का व्यवस्था कराई गई है, ताकि जो भी व्हीकल्स उधर से आती है उसकी हर एक टाइप की चेकअप कराई जाती है, ताकि कोई भी अवैध कारोबार नहीं हो सके। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते हुए चार अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता के जरिए दी घटना की जानकारी। सिंहवाड़ा में कल 7 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पीछे पुलिस काफी दिनों से लगी हुई थी। ये हमारे यहाँ पहले से लूट के और मर्डर के केस में वांटेड थे। इसके अलावा इनका शराब माफिया का भी नेटवर्क है, शराब की भी तस्करी करते हैं ये लोग। और 14 अगस्त को यहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या करके फेंक दिया गया था, वो भी इन्हीं का साथी था, शराब माफिया जिनके साथ जुड़ा हुआ था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जिले के बड़े व्यापारी को निशाना बनाने के फिराक में थे सभी अपराधी। सिटी एसपी राजेश कुमार ने घटना की दी जानकारी। मैं पेट्रोलिंग के दौरान में नगर थाना पुलिस द्वारा 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पश्चात से 2 कट्टा लोडेड और कुछ गांजा की बरामदगी हुई है। पूछने पे ज्ञात हुआ कि उन लोग एक बड़ी घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। सोना पट्टी में किसी सोनार को टारगेट किए हुए थे। 5-6 केजी सोना की लूट की योजना उन लोगों की थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर से गायब हुए छात्र सनी के अपहरण और हत्याकांड की सुलझाई गुत्थी। सनी के स्कूल के दोस्त और उनके परिवार ने ही रची थी हत्या और अपहरण की साजिश। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इस माह के शुरुआत में एक डेड बॉडी सकरा थाना अंतर्गत मिली थी। मृतक की पहचान बाद में सन्नी कुमार के नाम से पीड़िता द्वारा अहियापुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस इस कांड के निवेदन के लिए एसआईटी टीम का गठन की और निरंतर इस पर कार्य करना शुरू कर दिया।